नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं नौ दुर्गा माता औषधियों में भी होती हैं विराजमान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि औषधियों में विराजमान होती हैं माता नौ दुर्गा। दोस्तों, माता नौ दुर्गा के नौ रूप हैं और इस हर एक रूप में हर एक एक औषधियों का वर्णन है। जैसे पहला माता का रूप है माँ शैलपुत्री, इसमें हरण जैसे औषधि का वर्णन है। जैसे कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रदत्त औषधि है। यह पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी सात प्रकार की होती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, इसमें ब्राह्मी जैसे औषधि का वर्णन है। ब्राह्मी आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती हैं, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा, इसमें चंद्रसूर जैसी औषधि का वर्णन है। यह एक ऐसा पौधा है जो घनिया के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभदायक है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा, इसमें पेठा जैसी औषधि का वर्णन है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट साफ करने में सहायक है और मानसिक रोगों में भी यह अमृत जैसे समान है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप है माँ स्कंद माता, इसमें अलसी जैसी औषधि का वर्णन है। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विराजमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। दोस्तों, छठा रूप है माँ दुर्गा का माँ कात्यायनी, जिसमें मोइया जैसे औषधि का वर्णन है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। माँ दुर्गा का सातवां रूप है माँ कालरात्रि, इसमें नागदौन जैसी औषधि का वर्णन आता है। यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी हैं और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। दोस्तों, माँ का आठवां रूप है माँ महागौरी, इसमें तुलसी जैसी औषधि का वर्णन है, जिससे लगभग सभी लोग वाकिफ है इस तुलसी पौधे से। तुलसी सात प्रकार की होती हैं, सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दावना, कुठे, रक, अर्जक और षटपत्र। यह रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। दोस्तों, माँ का अंतिम रूप अथवा नौवां रूप है माँ सिद्धिदात्री, इसमें शतावरी जैसे पौधों का वर्णन आता है। दुर्गा माँ का नौवां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, इस प्रकार माँ दुर्गा के नौ रूपों का वर्णन नौ औषधियों के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट द्वारा ज़रूर पूछें। मैं जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।